आपको क्या पता विभू कैसी एक्टिंग करता है? वैसे भी आपको तो एक्टिंग का ए भी नहीं पता। आज हम आपकी कसम खा के कहते हैं कि आपको पूरा एक्टिंग पुराण नहीं सिखाया तो हमारा नाम भी मनमोहन तिवारी नहीं। ये भैया मेरे नए नाटक की स्क्रिप्ट है, जालिम पति, यही कर रहा हूँ मैं आजकल। अरे इस नाटक की तो हमें बहुत जरूरत है। तुम जो है मासूम पत्नी का रोल पढ़ोगी और हम जो है वो जालिम पति का। मुझसे जुबान लड़ाती है ये रे। अभी जाके सो जाते हैं, शांति से सुबह उठकर सोचेंगे क्या करना है। हाँ चलो 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 चलो, क्या यहीं लटके रहोगे बालकनी में? चलो। हमरे अंगने बे तुम्हार का काम बा, जो है नाम वाला वही तो बदनाम। अरे भाभी जी, राम राम। आ लाला जी, कैसे बा? सब बढ़िया भाभी जी, आपको आशीर्वाद जो है हमारी संग। ये एक चिट्ठी आई है आपकी। हाँ, किसकी चिट्ठी है? जो कोई भूरे लाल की है। ये हमारे पिताजी की चिट्ठी है। अच्छा अभी चले तो एक सेकंड, ये साइन और कर दे लो। का है इतना सारा, लाइए लाइए जल्दी, हमको पिताजी की चिट्ठी पढ़नी है, आ लीजिए। अच्छा राम राम। राम। अंगूरी बेटा, सदा सुखी रहो, तुमको देखने का हमरा बहुत मन कर रहा है, लेकिन का करे, जब भी उस कच्चे बनियान का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है हम अपने मन को मार देते हैं, इसलिए तुम अपना एक फोटो हमको भेज दो। तुम्हारी माँ तुमको बहुत याद कर रही थी, उपेट से है ना? अगले महीने हम तुम्हारी छोटी बहन की उम्मीद कर रहे हैं, तुम्हारे 12 भाई बहन तुमको प्रणाम कर रहे हैं, तुम्हारे पिताजी भूरे लाल। और पिताजी कब आएंगे हमसे मिलने? आओ बेखुदी बेसबब नहीं भाभी, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। पर्दे? कौन से पर्दे? हाँ, हम धोने के लिए दिए हैं पर्दे। खैर छोड़िए, ये बताइए कि जिंदगी कैसी चल रही है आजकल आपकी? हाँ, का चल रही है, एकदम ठीक चल रही है। तिवारी जी से खुश तो हैं आप? अधिया, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? और बहुत खुश है वो आपको तंग तो नहीं करते ना? ये क्या बात कर रहे हैं आप, वो तो हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो देखा मैंने रात को कितनी शिद्दत से प्यार करते हैं आपको। क्या बोले? एक्चुअली वो कल रात को आपके घर की लाइट, बेडरूम की लाइट बहुत देर तक जल रही थी। इतनी देर तक आपके बेडरूम की लाइट जल रही थी, सब खैरियत तो है ना? लड्डू के भैया मना किए हैं और खास कर भरभूति जी को तो ना बताए। हाँ, वो हम एसटीडी कर रहे थे। भाभी जी, स्टडी? हाँ सही पकड़े हैं। आर यू श्योर कि आप स्टडी कर रही थी? हाँ, लेकिन आप ऐसे काहे पूछ रहे हैं? बस ऐसी भाभी जी, वो कल रात को मैंने एक बहुत ही डरावना ख्वाब देखा था। हतिया, का ख्वाब देखा? मैंने ख्वाब में देखा कि तिवारी जी आपको टॉर्चर कर रहे हैं, आपको मार रहे हैं, पीट रहे हैं और आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। अरे यार, कैसा ख्वाब देखा? लेकिन ये सब ख्वाब में ही हो सकता है, का है ना वो हमको मारना, का हमको उंगली भी ना ही लगाते हैं। भाभी जी कितना झूठ बोल रही, जरूर उस मक्कार तिवारी ने भाभी जी को डराया हो, धमकाया हो कि किसी के सामने अपना दुख जाहिर न कर। है हमको लड्डू के भैया के लिए दूध और जलेबी देना है। वाह भाभी जी वाह, क्या बात है, कितनी महान है आप। आपकी महानता पर मैं एक किताब लिखना चाहता हूँ। हदिया, आज किताब लिखेंगे तो हमको भी दीजिएगा, हम भी पढ़ेंगे। हाँ चलते हैं। कमाल है भाभी जी, भी कमाल है, जो इंसान इनको दिन रात मार रहा है, टॉर्चर कर रहा है, उसको ये दूध जलेबी खिला रही है। अगर इनकी जगह अनिता होती तो मुझे वो तू जलेबी खिलाती, लेकिन जहर डाल के। काट वादी, तू जलेबी खा के
ताकत बनाएगा और फिर मारेगा इनको। Oh God, so frustrated. Ridiculous. बहुत दिनों बाद ये खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। तिवारी जी क्या करते हैं आप, कमाल करते हैं, आवाज देकर तो आया करिए। क्या बताएं भाभी जी, दरअसल हम इस खूबसूरत नजारे को खोना नहीं चाहते थे। खैर छोड़िए। छोड़ ही तो नहीं सकते भाभी जी। जी हमने कहा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए सब खैरियत है? बस भाभी जी, जब जब आपके खूबसूरत नजारों की बारिश होती रहेगी, हमारी खुशियों की फसलें बस ऐसे ही लहलहाती रहेंगी। खैर छोड़िए, आप ये बताइए कि कल रात को आप इतनी देर तक क्यों जाग रहे थे? ओ, शायद भाभी जी ने बेडरूम की लाइट जली हुई देख ली होगी, लेकिन हम नहीं बताएंगे कि हम एक्टिंग कर रहे थे। तिवारी जी मैं पूछ रही हूँ, कल रात आप इतनी देर तक क्यों जाग रहे थे? बताइए बताइए बताइए। भाभी जी वो हम अंगूरी के साथ वो शतरंज खेल रहे थे। अच्छा, आप अंगूरी जी के साथ इतनी रात में शतरंज खेल रहे थे? जी। वैसे भाभी जी आपसे एक बात पूछे, क्या आपके दिल में अब भी एक्ट्रेस के लिए उतना ही प्यार है जितना पहले था? आप ये सवाल मुझसे अचानक क्यों पूछ रहे हैं? नहीं बस ऐसे ही हमारे दिमाग में आ गया भाभी जी। हाँ है ऑफ कोर्स, और हमेशा रहेगा भी, लेकिन आप मुझे बताइए कि आप इतनी रात को अंगूरी जी के साथ शतरंज खेल रहे थे? वो क्या है ना भाभी जी, हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का कीड़ा काटता रहता है। और अंगूरी जी को? जी उसे भी काटता है। खैर छोड़िए, भभूति जी कहाँ है? होंगे यहीं कहीं। एक्सक्यूज मी भाभी जी, चलते हैं। मुकर गए, साफ मुकर गए कि इनके घर में झगड़ा हो रहा था। देखती हूँ कब तक छुपाते हैं मुझसे। ये लीजिए सवारी यहां बैठी है, और हम आपको पूरे कानपुर में ढूंढ रहे थे। सरकिए जरा। क्यों, आपको हमारा अचार डालना है? नहीं नहीं, हम अपना जायका खराब करना नहीं चाहते। खैर वो सब छोड़िए, दरअसल हमें आपसे एक काम है। बकिए। वो भाभी जी बता रही थी कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं। हाँ हूँ। तो आपको वो गुस्से वाले एक्सप्रेशन तो आते ही होंगे? हाँ आते हैं। तो जरा हमें बताइए ना गुस्से वाले एक्सप्रेशन, हम सीखना चाहते हैं। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आदमी गुस्से के एक्सप्रेशंस मुझसे सीखकर फिर वही एक्सप्रेशंस भाभी जी को दिखाकर उनको डराना चाहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक्सप्रेशन है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप एक नंबर के घटिया, जलील और गिरे हुए इंसान है। ये भी बहुत अच्छा है, ये कुछ ज्यादा गुस्से वाला है। अच्छा आपको शर्म आनी चाहिए, आप एक शरीफ सीधी सादी महिला को परेशान कर रहे हैं, सता रहे हैं आप उनको। लाजवाब, ये एक्सप्रेशन लाजवाब है। तिवारी जी ये एक्सप्रेशन नहीं है। अगर आपने भाभी जी को सताना बंद ना किया ना, तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, समझे आप? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये हाँ, क्या 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 भवे तो नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, अगर अगर किसी की जान लेनी हो तो कैसे एक्सप्रेशन होंगे जरा बताएंगे आप? चलिए ठीक है, अभी इन्हीं एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं। जान लेने वाले एक्सप्रेशन का भी टाइम नहीं आया है, जब टाइम आएगा तब आपसे सीखूंगा। चलिए चलते हैं। ये तिवारी तो साइको होता जा रहा है, इसका मतलब भाभी जी की जान को खतरा है।
लारी, अगर भाभी जी की जान पे आंच भी आई ना तो मैं तुम्हारी जान निकाल लूंगा। कि भाभी जी की जान हमारी जान है, हमारी जान है वो। जोरू है कोनू भेड़ बकरी ना ही है जो आप हम पर इतना जुल्म कर रहे हैं। अगर जुल्म करना ही था तो शादी काहे किए। थोड़ा फीलिंग लाके बोलो डार्लिंग, फीलिंग। आप फीलिंग कहाँ कैसे लेके आए? देखो तुम फील करो कि तुम जो हो वो रामबती हो और हम हरी सिंह है, ठीक है? अब फील करके बोलो। अरे बोलो ना, हंस कह रही हो, शाबाश बोलो। हम तुम्हारी जोरू है। थोड़ा जोर से आवाज में दर्द लाके बोलो। हम तुम्हारी जोरू है, जोरू। कोनो भेड़ बकरी ना ही है जो हम पर इतना जुल्म कर रहे हैं। अगर जुल्म करना ही तो तुमसे शादी काहे किए? चुप साली, जुबान लगाती है। तू ढोल नहीं है, तू ढोलक है जिसे पीट पीट में हमको मजा आता है। ये ले। ये तिवारी का बच्चा भाभी जी पे फिर जुल्म कर रहा है। रिकॉर्ड अनु, 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 उठो तो सही यार, तुम उठो ना। क्या हुआ? तिवारी जी फिर मार रहे हैं भाभी जी को। क्या? हाँ फिर से? अमरीका गलती है। सबसे बड़ी गलती ये है कि तूने मुझसे शादी की है। हम कहाँ किए? तुम्हें हमको स्कूल से उठा कर ले गए थे। ये क्या बकवास लिखा है? खैर चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। गोली खिला के साथ मैंने 25 शादी की। ये आदमी नहीं, ये इविल डायनासोर है। तभी तो मैं कहूं कि भाभी जी और तिवारी जी को देख के मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आती है? कैसी फीलिंग आती है? कि एक सियार के हाथ मोरनी लग गई है। माय गॉड, क्या कर रहा होगा भाभी जी के साथ। अरे तुझसे शादी तो कर ली है लेकिन अब तुझे स्वर्ग लोक भेजने का टाइम भी आ गया है। Oh my God, तिवारी जी ने ऐसा क्या कर दिया जो भाभी जी इतनी जोर से चीखी? वो देखो जान से मार देगा भाभी जी को, आज आज ही जान से मार देगा, अनु ही जान से मार देगा। ओह गॉड, अब पानी सर के ऊपर चला गया है। हाँ अब मुझे रोकना होगा। तुम नहीं रोकोगे। तो कौन रोकेगा? कानून रोकेगा। जल्दी से हप्पू सिंह को फोन लगाओ। गुड आइडिया। हेलो हप्पू सिंह जी, मैं विभूति नारायण मिश्रा बोल रहा हूँ जी, गोरी मेम का हस्बैंड। हमारे घर के सामने तिवारी जी का जो घर है, हाँ वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। अब जल्दी आइए प्लीज। हाँ गोरी मेम भी जाग रही हैं। काम की बात करो, काम की बात करो। हाँ काम की बात हो रही।
जी नहीं, कुछ सामने से कुछ आवाजें आ रही हैं। हाँ, कुछ मारने पीटने की। कौन होगा इस वक्त? क्या पता कौन होगा। अरे यार तिवारी, तुमसे कितनी बार कही, कम से कम जो घंटी तो सही करा लो यार। अरे दादा, अरे अब क्या बताएं, वो रात बेरात चोर चकोर घुस आते हैं बस इसी वजह से, और का। यार तुम आदमी हो के पजामा? अरे चोर चोरी करने आएगो तो घंटी बजा के आएगो का? और फिर ऐसे चोर चोरी करने लगे ना घंटी बजा के, तब तो भाभी खूब हो गई चोरी। ये बात तो सही कही। खैर अंगूरी, कल घंटी ठीक करा लेना, ठीक है? हाँ ठीक बा। अरे दादा, हप्पू सिंह जी कैसे तकलीफ दी? क्या बोले? मतलब कैसे तकलीफ की? अरे भैया तिवारी, बस ऐसे ही मोहल्लों से गुजर रहे थे, तुम्हारा दरवाजो देख गो, हमने सोची चलो मिलते चलें। और भाभी जी की डिलीवरी हो गई क्या? अरे अबे कहाँ भाई महाराज, पर छोटो हप्पू जो है ना, जूनियर हप्पू, वो भाभी को तुम्हारी बहुत परेशान करतो है। और कैसे परेशान करते हैं? अरे कहाँ बताएं भाभी, ऐसे पेट में हाथ रखते हैं तो लात मारतो है। जरूर नाराज होगा। अरे महाराज काहे को नाराज हो, सोच रहा होगा कि किस मनहूस के घर में पैदा हो रहे हैं। कब फिर से बोलियो, कब मनहूस का? हमारा मतलब है कि नहीं नहीं मतलब ना समझाओ, मतलब अपनी तय करके इसी कुर्ता की जेब में रख लो। चलो भैया तिवारी फिर इजाजत दो, हमें निकलते हैं भैया तिवारी अपनो। चलिए ठीक है। कुछ खाना वाना खाएंगे का? भाई घर से निकले तो खिचड़ी खा के आने के लिए बिल्कुल। अच्छा ठीक है फिर चलो। अरे अरे चाय पीएंगे को? आप भी भाभी बहुत जबरदस्ती करती हो। चलो तो कह रही हूँ प्यार से, तो फिर चाय पिलवाई दो अदरक वाली। ठीक है। अच्छा हम जो कह रहे हैं भाभी, जब चाय ले आ रही तो थोड़ा चार ठैया ब्रेड में मक्खन लगा के दे दो, कहा है कि खाली चाय पियेंगे मजो नहीं आएगा। हाँ ठीक बा, अभी लाते अभी लाते। अच्छा लगता है। अरे और सुनाओ भैया तिवारी, भाभी के संग में कैसी कट रही है? बहुत बढ़िया कट रही है। बढ़िया कट रही है, भाभी परेशान तो नहीं करती है ज्यादा? परेशान? अरे हमारी अंगूरी तो गऊ है, गऊ। हाँ गऊ है, मतलब खुश हो भाभी के संग में, खुश हो तुम? अरे इतनी सुंदर सलोनी, इतनी सुशील बीवी मिली है तो क्या खुश नहीं होंगे? बहुत प्यार करते हो भाभी से? जी अपनी जान से भी ज्यादा। अच्छा हम जो कह रहे थे, इतनी रात में फिर आप और भाभी क्या कर रहे थे? शतरंज खेल रहे थे। भैया तिवारी, तुम इतनी रात में भाभी के साथ में शतरंज खेल रहे थे हैं? इतनी रात को इतने पर्सनल सवाल करेंगे तो यही जवाब देंगे ना महाराज। अरे तिवारी, अरे तिवारी भैया बहुत ऊंची चिरांद हो सही में यार। हम जो कह रहे यार, घंटी तो छोड़ो, कम से कम सोफा में तो टेक लगवा लो यार। अंगूरी, अंगूरी। आ रहे हैं। चाय है, हो गया। ये कल सोफा भी ठीक करवा लेना। अरे अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे दादा बहुत बढ़िया। अरे थैंक यू भाभी थैंक यू। अरे दादा मजा आ गया।
रख भी डालो है आपने। चलो फिर चल रहे हैं तुम्हारी। अरे कप तो रखते जाओ महाराज। अरे यार कप दे देंगे, कप कहाँ भागो जा रहे हो तुम भी यार। तुमने दिए और हमने ले लिए है ना। काय को पूछ रहे फिर, काय को पूछ रहे है? काय को पूछ रहे। अरे दादा तिवारी के घर में तो सब ठीक ठाक है, फिर इनको कौन से कीड़ा कुल बुला रहे रात में। फालतू में फोन करके धर दो कि तिवारी के घर में झगड़ो होगा भाभी से। विभूति भी बहुत बड़ी चिरांद है यार। ओ गॉड, पता नहीं हप्पू सिंह आया कि नहीं आया यार। बुरी तरह मार रहे तिवारी जी भाभी जी के ऊपर इतना बरस। अरे अनीता प्लीज जरा फोन लगा, हप्पू सिंह को पहुंचे कि नहीं पहुंचे वो। भाभी जी आ गई। भाभी जी अरे दादा अरे दादा। हाँ भैया विभूति तो मैंने फोन करू तो ना बे। दरोगा जी फटाफट आ जाओ, अंगूरी भाभी पे अत्याचार हो रहा है, तिवारी जी डंडों से मार रहे हैं, भुइया लहसुन जनका का भक रहे थे। हाँ मैंने ही फोन किया था, और तिवारी जी भाभी जी को बहुत बुरी तरह मार रहे थे। भाभी जी ठीक तो है ना? और तिवारी जी कहाँ हैं? आपने गिरफ्तार नहीं किया उनको? अरे महाराज कछु भाव ही नहीं है तो को भुइया गिरफ्तार कर ले। क्या बात कर रहे दरोगा जी? हिंदी में बात कर रहे हैं। अरे हम बकायदा तिवारी भैया और अंगूर भाभी से मिलके आ रहे यार, कछु बात नहीं भैया।